आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज हयात वो नमूना है उसी में खुशी है उसके अलावा जो कुछ है वो फसाद है निकाह के मौके पर आयत पढ़ी जाती या अयोहदीन आमन हक का तो कहती ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है ईमान ले आए अल्लाह को एक मान लिया कुफर और शिरक को छोड़ दिया तो डरने का हक कैसे अदा होगा कि गुनाह छोड़ दो महासी छोड़ दो अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो शादी वाले दिन उससे पहले फोन कर रहे होते हैं, दुआ कीजिएगा बच्ची की शादी है बेटे की शादी है सब खैर खैरियत से हो जाए दुआ कीजिएगा दुआओं की दरखास्त है तश्रीफ लाइएगा अपनी दुआओं के साय में बच्ची को रुख्सत कीजिएगा पत्तों की तरह लरस रहे होते हैं दिल जिस दिन के लिए दुआएं करवा रहे हैं जिस दिन अल्लाह की राहमत चाहिए जिस दिन खैर के फैसले चाहिए उस दिन के लिए बाकायदा प्लानिंग करके अल्लाह को नाराज करते हैं और वो प्लानिंग एक एक महीने से हो रही होती है इतना महंगा हॉल होगा फला होगा वीडियो वाले फला आएंगे मूवी वाले फला आएंगे खाना ऐसा आएगा ऐसा पकेगा इतने उसमें आइटम्स होंगे शेरवानी ऐसी कुल्ला ऐसा जूते ऐसे लाइटिंग ऐसी म्यूजिक ऐसा गाड़ियां ऐसी लड़के वाले कहते हैं बफर ठीक करवा लो गाड़ियों के शादी कार्ड अलग होना चाहिए यूनिक होना चाहिए नजर आना चाहिए ये ये तो दस रुपए वाला लग रहा है ये ये क्यों छुआरों की थैली ऐसी होनी चाहिए उसमें यह डालना चाहिए दुआ कीजिएगा सब खैर खैरियत से हो जाए कमाल है कांटे बो रहे हो फूल मांग रहे हो अल्लाह को नाराज कर रहे हो लोगों से कह रहे हो दुआ कीजिएगा सब ठीक ठीक हो जाए इशराफ नमूदो नुमाइश फखर तकबर पहले तो एक आद होता था ना कैमरा वीडियो वाला और अब अब तो हर जेब में कैमरा है अब तो मोबाइल निकलता है और हर एक के पास कैमरा है यह शादी की तकरीब है हमारी मां बहन बेटियां सजकर आराइश के साथ इस तकरीब में शरीक हैं कोई इधर से वीडियो बना रहा है कोई इधर से तस्वीर बना रहा है वो मासूम बच्चियां वो शादी में लगी हुई खवातीन वो किस जाविये से किस तरफ से किस जानब से किस तरह की तस्वीर बना रहा है हमें क्या पता ये सारे खानदान के लड़के ये दोस्त हैं ये दोस्तों के दोस्त हैं ये उनके दोस्त हैं ये ऑफिस वाले आए हुए हैं, ये कोलीग आए हुए हैं, एक मिनट में एक लम्हे में सौ सौ पचास पचास दो दो सौ तस्वीरें उतर रही हैं। इधर आप तस्वीर बनाते हैं उधर पापा आके आपसे पूछ रहा होता है कहां शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर डालेंगे टैंगो पे डालेंगे इमो पे, पे डालेंगे ट्विटर पर डालेंगे फेसबुक पर डालेंगे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया सैकड़ों हजारों कहानियां इबरत की मौजूद हैं इसके बावजूद हमें अकल नहीं आ रही क्या वक्त नहीं आ गया कि गैरतमंद घराने इस बात पर गौर करें कि क्या हर अरे खैर नत्थु खेरे को हम इस बात की इजाजत देते हैं कि वो हमारे घर की तकरीब में खड़ा हो और हमारी मां बहन बेटियों की तस्वीरें बनाए और वीडियो बनाए सारी समझदारियां दुनिया के लिए रह गई और गैरत गई काम से ये मेरी बेटी है ये मेरी बहन है ये कौन है पांच सौ आदमी जो जेब से मोबाइल निकालकर खड़े हुए तस्वीरें बना रहे हैं हमारे खानदान के एक बुजुर्ग थे वहां कुछ रिश्तेदार शादी में आए हुए थे वो दूल्हा को अंदर लेकर गए तो उसके साथ तीन उन्होंने कहा रुक जाओ उन्होंने कहा जी पराने पराने प्राण है उन्होंने कहा जाके अपनी पहनों दे बनो पहले जाओ जाके अपनी बहनों के भाई बनो जाके पहले जाओ भाई है बोला बस इसको जाने दो बुजुर्ग खवतन आएंगी जो करना होगा अंदा कल जाओ